हनुमान जी बड़े हैं कि राम जी बड़े हैं कि कृष्ण जी बड़े हैं कि विष्णु जी बड़े हैं कि शिव जी बड़े हैं कि माता बड़ी है, सब एक ही है। हर परमात्मा का स्वरूप अन्य धर्म के भी हो वो भी सब एक ही है, वो परम शक्ति है। अलग अलग रूपों में उन्होंने हमारे लिए ही उनका प्राकट्य होता है, वो कभी धरती पे आते हैं, लीलाएं करते हैं हमारे लिए कि हम उनसे कनेक्ट हो पाए। कुछ लोग भगवान की चंचल कृष्ण लीलाओं से प्रभावित होते हैं, उनके मन में वो बस जाते हैं। कुछ लोग राम जी के सादे चरित्र से कि कैसे मर्यादा में रहना है, कैसे अपने मन को हावी नहीं होने देना अपने कर्तव्यों पे, कुछ लोग उससे प्रभावित होते हैं। कुछ माता दुर्गा से होते हैं तो कुछ लक्ष्मी से होते हैं। तो सारे भगवान एक ही है, तो कौन सा भगवान बड़ा, मेरा भगवान बड़ा कि छोटा कि कौन से वाले लेंगे, वो तो प्रश्न ही नहीं है। तुम्हें तुम्हारे अंदर जिसके प्रति आस्था, जिसके प्रति लगाव, जिसको तुमने इष्ट माना, वो ही तुम्हारा काम करेगा। इसीलिए मैं हमेशा ऐसे ही शब्द सूचक शब्दों का प्रयोग करती हूँ, परमात्मा भगवान इष्ट, ताकि तुम्हें पता रहे जो तुम्हारे इष्ट है उन्हीं से होगा। मैं कभी किसी को ये नहीं कहती कि मैं शनिदेव को मानती हूँ तो तुम भी जबरदस्ती मानो। मेरे इष्ट शनिदेव है, मुझे उनसे लगाव है, तुम्हें किसी से हो सकता। काम हर कोई वही करेगा, पर तुम्हारी आस्था का अंतर है। हमें कितना विश्वास है उस पे सारी चीजें निर्भर करती हैं। और हमें अगर विश्वास नहीं है या विश्वास हमारा डोलता रहता है, बार बार भटकता रहता है, तो वही गड़बड़ हो जाता है, और कोई गड़बड़ नहीं। वरना हर दरबार जहां पर भी कोई संत कोई महात्मा किसी अच्छे उद्देश्य से तुम्हारी सहायता को बैठे, हर दरबार काम करेगा, हर पंडित काम करेगा, हर ब्राह्मण काम करेगा, हर मंदिर काम करेगा। ऐसा नहीं है कि जाकर के शिंगणापुर जाएंगे तो ही शनिदेव मिलेंगे, तुम्हारे बगल के यहाँ पर जाकर के भी भगवान मिल सकते हैं। जरूरी नहीं है केदारनाथ जाओगे तभी शिव जी मिलेंगे, तुम्हारे बगल के शिवलिंग घर के आस पास है वो भी वहां भी मिल जाएंगे। हमारी आस्था का अंतर हो जाता। अब दूर जाते हैं तो पुरुषार्थ करते हैं, और क्योंकि शुरू में सारे ही जितने भी मंदिर थे वो बड़े हायर ऑल्टीट्यूड पे बनाए गए थे ऊपर, कि जब तुम चढ़ाई करो शारीरिक श्रम करो तो एक तप की तरह हो जाता है, तो तुम्हारा मन जो है उस समय शांत हो जाता है, शरीर तुम्हारा शीतल हो जाता है, तो तुम वहां जाकर भगवान से कनेक्ट हो पाते हो, इसके ऊपर बनाए गए। तो वहां तुम्हें लगता है कि हाँ कुछ तपस्या करके पहुंचे हैं तो उसका फल हमें मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं। भगत के मंदिर में भी जाओगे, आसपास में भी जाओगे, घर में भी बैठ के पूजा करोगे, वो भी लगेगी। केवल अंतर हमारे विश्वास का हो जाता है, कि हमें विश्वास जो है वो टगमगाने लगता है। जिसका विश्वास है उसके तो इतने काम बनते हैं, हर जगह से बनते हैं। और यहाँ तो विशेषकर लोग आकर के बार बार अपने चमत्कारों के बारे में बताते हैं, कुछ तो वीडियो बनाते हैं, कुछ शर्मा जाते हैं, आज हम अच्छे नहीं लग रहे, कल बनवाएंगे, नेक्स्ट टाइम बनवाएंगे। लेकिन कुछ बिल्कुल बनाते हैं ताकि और लोगों को पता चले। अभी पीछे लास्ट टाइम जब हम उठ रहे थे तो एक लड्डू लेके एक लेडीज आई थी, वो काफी उनकी एज हो गई, उनकी जॉब नहीं लग रही थी, या बहुत ज्यादा एज हो जाती है तो जॉब लगने में बड़ी मुश्किल होती है। काफी समय से, कई सालों से जॉब नहीं था उनके पास, मेरे ख्याल उन्होंने 6-7 हाजिरी पूरी की होगी। लड्डू लेके आई थी, कहती इस बार तो मैंने सोचा था लड्डू लेके तभी जाऊंगी जब नौकरी का ऑफर लेटर हाथ में आ जाएगा, तो उनको ऑफर लेटर मिला तो वो आई। इसी प्रकार से बहुत सारे चमत्कार दरबार में होते हैं, लेकिन नियम का पालन आप नहीं करना है। हमारा कार्य है भगवान के चरणों में आपकी प्रार्थना लगा देना, बाकी काम है आपका श्रद्धा विश्वास बनाए रखना, नियम को भंग नहीं करना, तो अवश्य ही लाभ होगा। तुम्हारे साथ क्या हमारे साथ इतने चमत्कार होते हैं? अभी रिसेंट की एक बात बताती हूँ, पिछले महीने की बात है। तो मेरे शरीर में थोड़ी कंपन सी हो रही थी, तो डॉक्टर के पास में गई तो उसने मुझे कहा माता जी जरा CBC चेक करा लो, लगता है कुछ टेस्ट करा लो, पता लग जाएगा। अब सेवा करते हुए हमारे खाने का तो कोई अता पता नहीं है, हम तो हाथ भी जोड़ते रहते, लोग उठने भी देते हमको, कभी 4 बजे कभी 5 बजे भी हम खाना खा रहे हैं। तो हमारा जो ब्लड काउंट था, जो क्या होता है, जो भी ब्लड काउंट होता है वो निकला, हाँ हीमोग्लोबिन निकला 8, बहुत कम है। और वो डॉक्टर तो देख के कह रही थी मुझे तो 6 ही लग रहा है आपको देख करके।
फिर उसके बाद हमने खाने की तो व्यवस्था नहीं हो पाती समय से, उसका तो कुछ कह नहीं सकते, कभी कोई वीडियो कॉल है, कभी कोई मिलने आ रहा है, कभी कोई रिकॉर्डिंग है, कभी आप लोग। तो हमने एक नारियल की प्रार्थना भगवान के चरणों में लगा दी। मात्र डेढ़ हफ्ता बता रही। उसके बाद दोबारा से मैंने टेस्ट कराया, बिल्कुल नॉर्मल है, 10.5 हो गया है, इतना नॉर्मल ही है। भगवान की चमत्कार कि कैसे इतनी जल्दी कुछ संभव हो सकता। तो जब हम भी उसको एक्सपीरियंस करते हैं ऐसी, जब महादरबार लगा रहे थे तब भी तुम्हें चर्चा की थी, उस समय भी पता नहीं था जब महादरबार लग रहा था 31 दिसंबर, एक तो इतनी महा ठंड, तो जिन्होंने अटेंड किया उनको पता कितनी मुश्किलों से किया है। एक हफ्ते पहले तक यही नहीं पता था हो कहाँ रहा, वेन्यू नहीं मिल रहा था, फिर क्या करे, देखो अपने हाथ में कुछ है नहीं, जो प्रयास कर सकते थे सब कर लिए, भक्तों ने आप लोगों ने भी प्रयास कर दिए, इससे बात करो उससे बात करो, नहीं फिर तो अल्टीमेटली प्रभु ही है, उनके चरणों में एक नारियल की प्रार्थना लगाई सबकी ओर से। और देखो फिर अचानक से ही कैसे हो गया, दिल्ली के मेयर मिल गई, उन्होंने लेटर दे दिया और हाथ के हाथ सारे काम होने चले। हेलो, तो कहने का अर्थ ये है कि विश्वास बनाए रखोगे तो भगवान बहुत चमत्कार दिखाते हैं तुम्हारे जीवन में, चमत्कार।